आज का इवेंट जो है वो एक तारीखी नौयत का इवेंट था। हम गुज़श्ता 28 सालों से, हम से मुराद मेरी मुराद जो है वो मेमन बुक फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान और मेमनोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से है। हम गुज़श्ता 28 साल से ये इवेंट मुतवातिर करते चले आए हैं। हाँ, 2020 में जब कोविड का एक ज़माना ऐसा था, कोविड का एक दौर ऐसा था कि जिसमें हम ये, चूँकि पाबंदी थी तो प्रोग्राम नहीं कर पाए थे। अब जो है वो लोगों की दिलचस्पी जो है वो समाजी तकरीबात के हवाले से कुछ कम होती जा रही हैं, लेकिन हम जो है वो कोशिश करते हैं अपना फ़र्ज़ निभाते हुए कि सर आदम जी जैसी शख्सियत के, जिसने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, इससे पहले वो हिंदुस्तान में जो है वो एक टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट की हैसियत से और समाजी रहनुमा की हैसियत से, एक पैट्रियट की हैसियत से बहुत मशहूर थे, और ये वही शख्सियत हैं कि जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद उसकी इब्तदाई ज़रूरियात के पेश नज़र कायद आज़म की दरख्वास्त पर कोरा चेक कायद आज़म को पेश किया था। और आदम जी फैमिली की बहुत सारी सनतें जो ढाका में रह गईं सुकूत पाकिस्तान के बाद, और इसके बाद यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ जो हैं वो नेशनलाइज कर दी गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत मजमूई जो है वो सर आदम जी हाजी दाऊद और आदम जी फैमिली की खदमात जो हैं वो काबिल तहसीन हैं। ये जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये इदारा भी सर आदम जी के नाम से मौसूम है, सर आदम जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। इसी तरह आदम जी की बहुत सारी सनतें हैं, आदम जी ने बहुत सारे स्कूल और हस्पताल कायम किए। कराची में जो है वो सर आदम जी साइंस कॉलेज उसका जीता जागता सबूत है, आदम जी बोर्डिंग हाउस उसका जीता जागता सबूत है, आदम जी नगर जो है जो इदारा जो आपकी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी जो है वो इसका सबूत है, आदम जी फाउंडेशन, आदम जी पब्लिक स्कूल, और बेशुमार बातें हैं आदम जी के हवाले से हैं, बेशुमार नाम आदम जी के हवाले से हैं जो उनकी खदमात और उनकी जो है वो हुबुल वतनी का मुंह बोलता सबूत हैं। मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ हमारी मेमन बिरादरी को बल्कि दीगर बिरादरियों को भी आदम जी जैसी शख्सियात को याद रखने के लिए उनके लिए ऐसी तकरीबात मुनक्किद करनी चाहिए ताकि हमारी नई जनरेशन जो है उसमें शरीक हो और उनसे इस्तफादा करें और आदम जी के नक्शे कदम पे चलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबर मोहम्मद सलीम जखूरा है, मैं सीईओ ऑफ एसजे डेवलपर। एसजे डेवलपर बेसिकली हम इसमें क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड इसी तरह हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग हम कुछ फ्री कोर्सेज भी लॉन्च करते हैं वक्तन वक्तन। फ्री कोर्स लॉन्च करने का मकसद ये है ताकि जो हमारी जनरेशन है जो पेड नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि आईटी के जो कोर्स हैं वो काफ़ी हाई वो पे में होते हैं, तो हमने इसको लॉन्च करने का मकसद ही यही है जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, ठीक है, वो इस चीज़ को सीखे और उसमें कुछ अपना नाम बनाए और काम करे। एज ए डिवेलपर का मकसद ही यही है। बात करूँ कि आज की वेबसाइट के हवाले से, तो वेबसाइट बनाने का मकसद ये था क्योंकि हमारे यहाँ ये कि हम बुक रीड आउट नहीं करते। अब बात करूँ तो पूरी जनरेशन एक मोबाइल पर, ठीक है, आपने मोबाइल ऑन किया एंड देन इसके बाद उसको यूज़ किया, तो बेसिकली जो वर्ड है ना प्राउड टू बी अ मेमन, तो आप लोग जब, वैसे तो हम कहते रहते हैं कि प्राउड टू बी अ मेमन, लेकिन जब आप ये वेबसाइट ओपन करें एंड देन इसको रीड आउट करें तो आपको पता चलेगा कि वो वर्ड का मकसद क्या है। अगर मैं अपना लाइक के मतलब बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि जो हमारी मेमन बरादरी है, ठीक है, मैं खुद मेमन बरादरी से, ओखाई मेमन बरादरी से बिलोंग करती हूँ। हमारी मेमन बरादरी में ना काफ़ी ऐसी शख्सियात हैं जिसको हमने इसमें पॉइंट आउट किया है। ये जस्ट फॉर पाकिस्तान नहीं है, ये ऑल ओवर कंट्रीज़, जैसे कि 44 कंट्रीज़ को मैंने कवर किया है, ठीक है, हमने। एंड देन इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब विज़िट करेंगे जो वो है, डोमेन नेम है मेमन www.memanface.com। थैंक यू।